हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त कुणाल कुमार। बार बार आता रहूंगा, आपके दिलों में जोश जगाता रहूंगा। हेलो। हाँ हेलो सर, गुड आफ्टरनून। प्राजिक्ता करिएगा। जी, बस हाँ, कैसे की तरफ से बात कर रहा हूँ सर, आपका कैसे का एग्जाम है, बाकी 25 मार्क अच्छा अच्छा पेमेंट नहीं किया सर आपने 3 महीने से। हाँ, पेमेंट है नहीं ना। क्या बोल रहे हो सर? पेमेंट है नहीं सर। 25 लाख रुपये आपके पास नहीं है तो कहाँ से अरेंज करो ना सर। 3 महीना क्या सर, आप मुझे बता सकते हो क्या? हाँ, तीन पूरा महीने पेमेंट देखो, कर रहा हूँ, पेनल्टी रख के जा रहे हैं क्या कर रहा? 3 महीना है मैं बताता हूँ 3 महीने क्या किया। देखो, मैं ना कहीं गया था। बटाटा बटाटा लगा के रखे। हाँ अरे सुनो तो सही, मैं है ना तीन बोलो। महीने पहले मैं है ना 2 महीने के लिए एक जगह पे फंस गया था। तो 2 महीने बाद जब मैं तीसरे अच्छा, महीने क्या क्या वहां से फंस गए? निकला, हाँ फंस गया था मतलब देखो, मैं गया था अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए खेत में। तो एक्चुअली वो किससे हो क्या मिलने गए गया था थे? ना, अरे अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए गया था खेत में। तो तो हो गया था हुआ वहां पर था, ये तो खेल के तो अरे देखो। सुनो तो सही, देखो मैं मिलने के लिए गया था तो उसमें उसकी माँ आ गई वहीं पर, और उसका बाप भी आ हाँ गया। तो उसने है ना हाँ तो वहीं पे जो बड़े बड़े डिब्बे थे उसमें मुझे छुपा दिया था। तो मेरा खाना पीना वहीं पे 2 महीने क्या तक कर दिया? चलता रहा, वहीं पे मुझे छुपा दिया उसने खेत में, ताकि किसी को पता ना चले। हाँ तो मैं 2 महीने तक, आप यकीन नहीं अच्छा, करेंगे सर, मैं एक बड़ा सा जो कुकर होता है ना जिसमें हल्दी वगैरह निकालते हैं जो खेती वाले लोग, मैं उसके अंदर था सर 2 महीने। हाँ तो 2 महीने बाद जैसे तीसरे महीने में मैं निकला। हेलो हेलो, अरे सर, उसमें हम क्या कर सकते हैं? वो आपकी स्टोरी है तो मैं क्या करूँ सर? वो आपकी अरे स्टोरी है, सर, मुझे क्यों सुना रहे हो? नहीं आपने पूछा ना कि आप क्या कर रहे थे इतने दिन, तो मैं बता रहा हूँ ना आपको कि क्या कर रहा था। हाँ तो मैं, अरे सर ये मैं क्या करूँ आपका सुन के? हाँ तो फिर सर, फिर क्या हुआ, जैसे मैं वहां से निकला ना तो मेरी बहुत सारी मुझे ढूंढने लगे लोग। तो फिर मैं जैसे वहां से निकला ना तो मेरी बीबी ने क्या किया हाँ सर, मैं मर गया बोलकर उसने दूसरी शादी कर ली और प्रॉपर्टी भी अपने नाम कर ली सर। तो ऐसे हुआ सर वो। सर, तो अभी मैं है ना, वो आपका पर्सनल मैटर है, मैं कुछ नहीं तो कर पाऊंगा सर उसमें। सर देखो मैं केस सर, लड़ रहा हूँ पेमेंट अभी, रुकेगा केस हमारी कंपनी का, ये आप केस पार्टी से केस लड़ अरेंज रहा हूँ करो। सर मैं 25 लाख रुपया केस लड़ रहे हो? हाँ लड़ो, अच्छी जी बात है, सर। लड़ो जन्मों जन्मों तक लड़ो, लेकिन ये हाँ, 25 लाख रुपया भर के दो मेरे को अभी। अरे तो अभी तो है नहीं सर। देखो मैं तो सरकारी वकील से काम चला रहा हूँ सर। सर नहीं है तो अरेंज करो ना, 3-4 घंटे का आपको टाइम दे रहा, अरेंज करो ना सर। कहाँ से अरेंज करूँ सर? अरे कोई भी आपको दे देगा सर, 25 लाख रुपया कोई इतना बड़ा अमाउंट थोड़ी अरे है। वो पच्चीस साले ये लाख बता रुपया रहे हैं, देखो अरे सर मेरे जो ये दोस्त है ना वो क्या बता रहे कि हाँ हमारा दोस्त मर चुका है, तू पता नहीं तू कौन भैरूपिया है, ऐसा है वैसा है बता रहे मुझे। नहीं, तो ₹10 मांग रहे हो सर, ₹1000 नहीं मांग रहे मुझसे। अरे हाँ, तो कोई दे ही नहीं रहा है ना सर, मैं सबसे मांग रहा हूँ, बता रहा हूँ उनको, सालों मैं पैसा नहीं दे तुम्हारा रहे सर, दोस्त हूँ। आपके घर वाले लोग से मांगो, आपके भाई से मांगो, आपकी वाइफ से घर मांगो। वाले, अरे वो तो साली हरामजादी बेवफा निकली ना, उसने दूसरे से शादी कर ली, अब वो तो पहचान भी नहीं रही मुझे। अच्छा हाँ 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 उसी का तो केस चल रहा ठीक है, चलो सर जान लो सर, मैं ना 3-4 घंटे का टाइम दे रहा हूँ, ये अरेंज करो। 2508 अरे पेमेंट करा के दे रहा, पेनल्टी लगेगा ना तीन वो मैं चार रिमूव करा के देता हूँ, देखो ठीक तीन है? चार हाँ घंटे आप बता रहे हो सर, लेकिन 3-4 घंटे में कुछ भी नहीं होगा सर। आपको तो क्या ठीक लगता है, है मैं मैं अरेंज कोशिश करके नहीं कर रहा डालता हूँ हूँ? उसको। आपको लगता नहीं कि नहीं मैं कर रहे कोशिश हो नहीं सर, कर रहा कोशिश हूँ? नहीं कर रहे हो, अरे सर मैं क्या पता आपकी अभी कर इतनी रहे हो सी मुझे रकम पता के नहीं, अगर लिए, कोशिश करते ना तो आप देखो हमसे मुझे वैसा भर के देते थे, ठीक देखो सर, अगर मुझे एक है? बात बताओ, बड़ी पेशेंस से इसका जवाब देना। अगर 2508 रुपए के लिए मैं अपना सिविल खराब करूंगा, जो करोड़ों में भी सिविल नहीं बनता है, तो आपकी मामूली सी रकम के लिए मैं अपना सिविल खराब करूंगा, इसके बारे में तो सोचिए ना। अरे अच्छा, वो तो जाने दो, आपका सिविल खराब हो गया है, वो तो जाने दो अभी, ठीक हाँ तो है? पे करने के बाद दो पेनल्टी तीन रख महीने के बाद जा ठीक रहा हो है जाएगा ना सर? डेली उसका क्या, पेनल्टी रख हाँ के जा रहा है डेली उसका अरे क्या करेंगे? पेनल्टी तो वो रिमूव भी करा सकते हैं, उसका कोई टेंशन नहीं है पेनल्टी वेनल्टी का। मेन है सिविल, सिविल अगर मैं अभी पेमेंट कर देता हूँ कहीं से भी अरेंज करके, तो मेरा सिविल चलो तो ठीक हो आपके जाएगा लिए एक, ना। आपके लिए एक ऑफर रखता हूँ, आपके लिए एक ऑफर है, जैसे हाँ पैसा आ जाएगा ना आप तो सिविल अच्छा करके दे दूंगा मैं, बस हाँ वो तो 3 महीने बाद अपने आप ठीक हो जाएगा सर, उसका कुछ ये नहीं है, पे कर दूंगा आपके अपने आप ठीक नहीं पैसे। होता सर, अपने आप ठीक नहीं होता, कौन बोला अपने आप ठीक होता है? अरे सर मैं काम कर चुका हूँ सर,
इसमें कलेक्शन में काम कर चुका हूँ सर मैं। कलेक्शन में काम करें? हाँ, मेरे पास ऐसे 6 लोगों के डेथ सर्टिफिकेट है जिन्होंने मेरे पीछे और कटाक्ष बोल के वजह से ना जिन्होंने आत्महत्या कर ली। आप इधर ही, अरे आप इधर ही बात कर रहे, सुनो, आपने कलेक्शन में काम करा ना तो आपको ये मालूम रहेगा कि कस्टमर को 3 महीने हो जाता तो साइन देते क्या, और NPA हो जाता है 92 डे के बाद, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में चला जाता है अकाउंट। तो NPA के बाद राइट ऑफ तो होता है ना सर, बहुत से कार्डों के राइट ऑफ के बाद में लोग सेटलमेंट करवा देते हैं। अभी तो क्या है सर, राइट ऑफ वाले थोड़ी है सर, मैं राइट ऑफ वाला नहीं हूँ। मैं जानता हूँ सर, लेकिन मैं राइट ऑफ, मैं जैसे श्री राधे कृष्णा विकास पुरी ऐसी एजेंसियों में काम कर चुका हूँ सर, मुझे सब पता है। अगर कोई कस्टमर पेमेंट नहीं देता तो पर्सनल लोन में हम उसका कुछ भी नहीं कर सकते सर। हेलो सर, फिर मैं कोई बात बताओ ना, NPA में केस जाएगा, फिर आपको कोर्ट में बुलाया जाएगा, वो सब अच्छा लगेगा। देखो सुनो मैं बताता हूँ, NPA में क्या बताओ, सुनो मैं बताता हूँ, केस सिर्फ लोक अदालत में जा सकता है, लेकिन वो भी 98% कंपनी केस नहीं कर सकती सर, क्योंकि उनको पता है कि 10 साल हाईकोर्ट में निकल जाएंगे और 10 साल फिर सुप्रीम कोर्ट में, 15 साल निकल जाएंगे, इसकी तो आदमी की जिंदगी भी नहीं रहती। क्यों, अभी 35 की उम्र है, 25 के बाद 60 हो जाएंगे, उसके बाद तो जिंदगी भी गारंटी नहीं है। हाँ जी हाँ जी जी, ये 2508 रुपए के लिए आप ये NPA करोगे, केस लड़ूंगा, तो 2508 रुपए के लिए कौन सी कंपनी केस करेगी सर, 2508 रुपए के लिए, तो बताए कंपनी के पास इतना टाइम है। अरे 3 महीना ले रहे हो, देखो मैं ये बता रहा हूँ सर कि 2508 रुपए के लिए नहीं, मैं पेमेंट कर दूंगा, मैंने आपसे ये नहीं कहा कि आप इसमें RTP डालो या बंद करो, ऐसा पेमेंट करूंगा, सेटल करूंगा, पेमेंट कर दूंगा सर आपकी, बट अभी नहीं है, नहीं हो रहा ना, लेकिन सर नहीं हो रहा, अभी तीसरा महीना चल हुए का पेमेंट ही नहीं हो रहा है, करूंगा करूंगा, खाली आप ये बोल रहे हो। अच्छा कितना टारगेट हुआ आपका अचीव, नहीं हुआ क्या अभी, कितना टारगेट अचीव कर लिया आपने अभी? हो गया सर, हो गया ना। देखो आपको कोई भी केसेस है, जो भी आपका पोर्टफोलियो है, आपको उसमें से 60-80% तो रिकवरी करनी होती है, बाकी के जो 20% है जो नहीं होते है रिकवर, उसको छोड़ देना होता है सर, तो ये वाला केस मेरा उसमें समझ लीजिए आप। सर वो टारगेट हुआ कि नहीं, वो मेरा लुकआउट है ना सर, आपकी उतना टेंशन ले रहे हो मेरे टारगेट का, नहीं जस्ट मैं आपसे पूछ रहा हूँ सर, मैं क्यों टेंशन लूँ सर, मेरी बातों से लगता है मैं आपको टेंशन ले रहा हूँ, कुछ मत करो आप, मेरा छोड़ दो, मैं तो एकदम मस्त हूँ सर, मैं क्या बोल रहा हूँ, हमारी कंपनी का 2508 पे करके दो आज, अभी मैं टाइम नहीं दे पाऊंगा सच्ची में। कंपनी का तो नहीं सर, आप तो एजेंसी से बोल रहे हैं, कौन सी एजेंसी से बोल रहे हैं, कैशी कैशी फाइनेंस कंपनी से बात कर रहा हूँ। तो कैशी ने मेरा केस एक ऑथराइज एजेंसी को असाइन किया ना, तो क्या नाम है वो एजेंसी का, वो नहीं बताया मुझे, एजेंसी का नाम क्या बताओ सर आपको। अरे सर इतना डर लगता है नाम बताने के लिए, अरे की बात ही नहीं है ना सर, अरे तो फिर बताइए ना नाम पता अपनी एजेंसी का, कंपनी के रूल्स होते हैं आपको कैसा, कंपनी के कोई रूल नहीं होते सर, रूल्स तो RBI के होते हैं, जैसे कि RBI ने बताया है कि एजेंसी का नाम आप कस्टमर को बताइए। नहीं 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 सर, आप मुझे बता रहे हैं ना कि कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, तो मैं भी आपको बता रहा हूँ, नहीं नहीं जो समझना है आप समझ लो, लेकिन यार दुनिया भर की बातें कर लेते हैं यार रिकवरी वाले, लेकिन सारा एजेंसी का नाम बताना नहीं होता। मैं आपको फिर एक दिन बोलूंगा, मेरे को ना सर 2-3 घंटे में ना ये 2508 रुपया पे करने के दे सर। अच्छा चलो इसमें RTP डाल दो, RTP डाल दो सर, इस महीने RTP डाल दो, अगले महीने देखेंगे, फिर क्या कर सकते हैं, फिर क्या कर सकते हैं सर, आप कुछ भी नहीं कर पैसा, तो फिर लेके दिखाओ ना सर, आ जाओ एड्रेस पे, आ जाओ मेरे और ले लो, ठीक है। नहीं तो आपने लोन कैसे लिया था, कैश लिया था, ऑनलाइन लिया था, चलो बताओ मेरे को। लोन मैंने कब लिया था वो भी मुझे याद नहीं है, आजकल है ना मुझे कुछ पता ही नहीं रहता, मैं साला ये टेंशन में सब भूल जाता हूँ। ऑनलाइन लोन लिया था, हाँ तो आपका पेटीएम नंबर दे दो, मैं आपको पेटीएम कर दूंगा पैसे, ठीक है,
पेटीएम नंबर दो आपका। नहीं नहीं मैं तो पेटीएम नंबर पे करूंगा सर, रिंग विंग पे मैं कोई लिंक को क्लिक नहीं करता। नहीं पैसा मैं पेटीएम से दूंगा सर, आप अपना पेटीएम नंबर दो। ठीक है सर, नहीं नहीं आप मुझे अपना पेटीएम नंबर शेयर करिए सर, तो पेमेंट कर दूंगा मैं। ठीक है, क्या बोल रहे हो? पेटीएम नंबर शेयर कीजिए अपना, बात करने के लिए। आपको पेमेंट चाहिए ना? हाँ तो मैंने कंपनी से लिया था, जाहिर सी बात है तो कंपनी का और मेरा मैटर। फिर आप क्यों मुझे फोन कर रहे हैं? तो कंपनी को बता दीजिए, इसमें आरटीपी डाल दो, कस्टमर ने कहा है आपसे, कंपनी ने कहा है ना, कंपनी ने हमें राइट्स दिया पैसा निकालने का सर। तो उसका राइट्स का जो ऑथराइजेशन है वो मुझे मेल करो, पहले अपनी एजेंसी का नाम और पता बताओ। आप हमारी कंपनी के ओनर हो क्या? नहीं मैं किसी एजेंसी का ओनर नहीं हूँ, आपके कंपनी का कोई ओनर तो भानिक फाइनेंस है वो नहीं, आपका जो एजेंसी का ओनर है वो आपका ओनर होगा सर, कैसी आपका ओनर नहीं है? नहीं नहीं आप पैसा भर के दो सर, पैसा भर के दो। अरे किसका पैसा, कौन सा पैसा? किसका पैसा, कौन सा पैसा, किसका पैसा है सर? सिविल खराब हो गया है, तुम जो मस्ती मजाक कर रहे हो ना। सिविल क्या होता है वो तो पता भी नहीं सर, पूरा खराब हो गया। आप मैं क्या करूँ, आचार डालू क्या? तुमको क्या लग रहा है तुम नेक्स्ट टाइम लोन नहीं लोगे कभी? नहीं अब लोन की जरूरत ही नहीं है ना सर, जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं है। बच्चों ने दूसरा पापा ढूंढ लिया, बीवी ने दूसरा हस्बैंड ढूंढ लिया। जरूरत पड़ेंगी आगे, जरूरत पड़ेंगी ऐसा सब बोलते हैं, लेकिन जरूरत पड़ती है। कहाँ जरूरत पड़ती सर, अब मैं क्या करूँ, पर मैं किसको दूँ अब लोन लेके? सुनो तो सही, हाँ सुनो तो सही, अरे सुनो तो सही सर, अरे सुनो तो सही सर, सुनो तो सही सर, मैं ये बता रहा हूँ कि अब मैं लोन लूँ किसके लिए, मैं लोन लूँ किसके लिए? अच्छा ठीक है ठीक है, मैंने गारंटी ले ली आपकी, गारंटी ले ली, ठीक है मैंने आपकी गारंटी ले ली। ठीक है हाँ, और क्या करने के लिए बैठते हैं आप एजेंसी में, टाइम पास ही तो करना होता है ना, ऐसे भी दिन निकालना होता है। हाँ तो दोस्तों आइए साथ मिलकर अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं। ये जो रिकवरी एजेंसियां हैं, रिकवरी एजेंट हैं, या फिर यूं कहूं कि बैंक और एनबीएफसी हैं, जो हमारे अधिकारों को कुचलकर रिकवरी करते हैं, इनसे अपने अधिकार छीनते हैं, लड़ते हैं, अपने अधिकार मांगते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।